अरे बहू, अरे बहू, खाना बन गया क्या? बहुत जोर की भूख लगी है बहू, खाना बन गया? अच्छा, अगर तुम्हें इतनी ही तेज भूख लगी है तो होटल में जाके खा लो। होटल? हाँ, ये घर काहे के लिए है? घर? हाँ, ये घर तुम्हारे जैसे भिखारियों के लिए नहीं। भिखारी? हाँ, मैं इस घर का मालिक हूं बहू। शट अप और आवाज नीची, वरना आवाज नीची करवाना मुझे अच्छी तरीके से आता है। ससुर हो, ससुर के दायरे में रहो। मेरा बाप बनने की कोशिश मत करना। वो तो मैं किशन की वजह से तुम लोगों को झेल रही हूँ, वरना बेटी, कब का धक्के मार के इस घर से निकाल चुकी होती। इस घर की इज्जत तेरे हाथ में है, ये तू क्या कह रही है? घर की इज्जत भले ही हाँ मेरे हाथ में हो, लेकिन तुम जैसों की इज्जत करना मेरे हाथ में नहीं है। समझ में आ गई? बेटा, तुमने क्या रूप धारण कर लिया रूप धारण? है? अरे तुम लोग कहीं मर क्यों नहीं जाते यहां से जाके? मुझे और मेरे पति को अकेला छोड़ो। बहू, ये कैसी बात कर रही है बेटा? तू तो मेरी बेटी समान है। बेटी समान हूं, लेकिन बेटी तो नहीं। और हाँ, एक चीज तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि जितने बड़े कारोबार जो मेरे किशन ने इतना बड़ा खड़ा किया है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम उसकी दौलत पर मरते हो। और हाँ, ये पूरा कारोबार मेरे किशन का है। तुम तो ये समझ लो कि एक पालतू कुत्तों की तरह यहाँ पल रहे हो, जिन्हें मैं पाल रही हूँ। और किशन को बताने की जरूरत की ना, तुम जानते नहीं अपनी मौत के लिए भी मुझसे दुआएं मांगोगे। समझ में आ गई ना? और जिंदगी तुम्हारी नरक से बदतर बना के रख दूंगी। इसीलिए कहती हूँ अपनी मनहूस शक्ल लेके यहां से चले जाओ। पता नहीं जान कहाँ कहाँ से मेरे घर में साले कंजड़ आ जाते हैं। पिताजी। हाँ बेटा, किशन आ गया तू? पिताजी, बस आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। ठीक है बेटा। क्या बात है पिताजी? कोई बात नहीं बेटा। मेरे जाने में आपको खुशी नहीं मिल रही? नहीं बेटा, थोड़ा सा फिक्रमंद हूँ, और कोई बात नहीं। पिताजी, मैंने जब से मेरी शादी हुई है उसके 2-3 साल बाद से आप बड़े मायूस हो रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा लग रहा है कि पिताजी तुमसे बहुत कुछ कहना चाहते हो। नहीं आपके नहीं आके बहुत कुछ कहना चाहती हैं और आप बता नहीं नहीं बेटा, चाहते। नहीं नहीं बेटा, तू एक जिम्मेदार बेटा है, तू जैसा महसूस होता है ऐसे कोई बात नहीं है। मैं वाकई में खुश हूँ, कोई परेशानी मेरा क्या है यार, सब निकल गया टाइम अब। पिताजी मैं तुम तो अपना आगे बढ़ो जिंदगी में। पिताजी बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं 1 महीने के लिए अगर कनाडा जा भी रहा हूँ तो अपने हर पल की हर बात अपना ख्याल रखना। मैं राधा से बोल दूंगा। नहीं 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 बेटा, मैं तुझे कॉल करता रहूंगा ना। ठीक अच्छा, है, मैं तो मालूम मोबाइल से तुझे बात करता रहूंगा, है ना। अच्छा पिताजी, एक चीज़ और, मैं अर्जुन के लिए ही तो जा रहा हूँ। मेरी अर्जुन से बात हो गई है, थोड़ा अभी उसकी पढ़ाई वगैरह है निपटी है, थोड़ा घूमने फिर लेते, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नहीं पिताजी, मैं बात घूमने फिरने हाँ का वो नहीं हूँ, बल्कि आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ बताओ। कल रात अर्जुन शराब पी के आया था और मुझे नहीं लग रहा कि उसकी अच्छी सोबत है। मैं सब देख लूँगा बेटा, ये बिजनेस यूँ ही खड़ा नहीं हो गया है ना। ठीक है, अर्जुन क्या है कुछ नहीं। अजी सुनते हो, मैंने आपका बैग रेडी कर दिया, आ जाइए। आप क्या बातें कर रहे हो इतनी देर से? आता हूँ भी। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटा, आशीर्वाद। ठीक है बेटा। राधा बेटी, तुम? अरे राधा, मेरा बैग तैयार कर दिया? हाँ जी। हाँ दामाद जी। हाँ राधा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने आज तक कितनी बार बाहर गया हूँ, लेकिन आज अपने पिताजी का चेहरा देखा बड़ा मायूस सा लग रहा है। देखो राधा, तुम मेरे पिताजी का ख्याल रखना, जिस तरह अपने पिताजी को अपने बाप को इज्जत देती हो वही मेरे बाप को इज्जत देना। कैसी बातें कर रहे हैं, मैं उनकी बहू कम बेटी ज्यादा हूँ। ससुरी जी, नकल उतार रहे हैं, ये नकल उतार रहे हैं। नहीं ऐसे ही कह रहे हैं ससुर जी। आपकी मूछे देख के मुझे एक छोटा सा शेर याद आ गया। बोलो। शेर ये है कि मूछे हो तो कुत्ते लाल जैसी, मतलब आई मीन नत्थू लाल जैसी। नहीं नहीं, मजाक करने की आदत है। देखो दुनिया के पहले ससुर और दामाद हैं जो इतना अच्छा मजाक करते हैं ना। हाथ लगा रहे? नहीं हाथ तो नहीं लगा रहा। अरे पिताजी, वो तो लगाएंगे बीवी उनकी। चुप। हाँ सुने सुने, मेरे सामने लगाए बेटी। हाँ बेटा, तुम्हारे सामने एकदम पता नहीं क्या क्या लगाएंगे। चलें। अच्छा जी, दामाद जी जा रहे हैं। हाँ
मुझे आपकी बहुत याद आएगी। आपको तो अरे बेटी मैं नहीं जाओ ना। नहीं जाओ दूर हटो मैं हूं ना। ओ पिताजी सॉरी मैं ससुर जी चले माँ तक तो छोड़ दो हमें गाड़ी तक। बैग मैं उठा लूंगा बेटा लाओ तुम। पिताजी बैग आप उठा लो। बैग आप उठा लोगे तो फिर आपको कौन उठाएगा। चले डार्लिंग पिताजी आप बैग ले लीजिए आप चलिए मैं इनको लेके आती हूँ। मेरे संग भेजो। पिताजी मुझे भरोसा नहीं है। क्या तुम्हारे पिताजी को ये भरोसा नहीं है कि मैं एक ही दिन में नाना बना दूंगा इनको इसलिए रोक रहे हैं मुझे। चुप चलो ठीक है जान अपना ध्यान रखना। आइए पिताजी। आदाब जी। अरे मालिक। अरे हरिराम जी कैसे हो सब ठीक ठाक। अरे मालिक आपकी कौन है ये। ये हमारे माली हैं हमारे चाचा की तरह है बचपन से हमें पाला है। माली हैं यहाँ के माली माली ज्यादा मत बोलो वरना दे देंगे गाली। चुप। हाँ अपने लोन में नराई करवा लो हमसे। नराई मतलब। अरे इनकी लोन में तो हमारे अलावा कोई नराई न कर सके चाचा। अच्छा चुप। हमने तो इनकी लोन 3 साल से नराई करते हैं। मुझे लगता है इनमें शाही शौक है। नहीं बड़े अच्छे अच्छे फूल खिलेंगे। अच्छा चाचा मैं मेरी फ्लाइट लेट हो रही है इसलिए। हाँ बेटा कोई परेशानी हो बता देना। और हमारे ससुर पे ध्यान रखना ठीक है क्योंकि इनको इधर उधर झांकने की। हाँ चिंता मत करो नराई अच्छी करूंगा। अच्छा ये बताओ चाची कहीं यहीं पर ही है उनका ध्यान रखना। हाँ ध्यान रखूंगा पूरा पूरा। नहीं अब मैं यहीं से चला जाऊंगा। मैं ससुर जी चला जाऊंगा। मालिक को जाने दो। मालिक को जाने दो। हाँ जब मेरी आदत है जब मैं आपकी बेटी को देखता हूँ तो उसकी भी कमर पे हाथ लगाने की। बेटी थोड़ी हूँ। अरे बेटी नहीं बेटी मुझे तो तुम्हारी शक्ल में अपनी बीवी का चेहरा दिखाई देता है तो सामने ये मूछ है और ये चश्मा ना होता ना तब तक मैं आज ही नाई से मूछ को खत्म करवा गया। नराई करवा लो बड़े अच्छे से लोगेंगे तुम्हारी लोन में। चुप परे अभी जाता है कि तेरी टिकट काटूं। तेरा मालिक तो चला गया तू भी दफा हो यहाँ से। चुप। मालिक है मेरे। तुम पता है इस घर के माली हो बस माली की तरह रहो ज्यादा हमारे सर पे बैठने की कोशिश मत करो दफा हो यहाँ से। चुप। ऐसे तो हमारे मालिक भी नहीं कहते। मालिक गया मालिक है हमारे। मालिक तुम्हारा चला गया अब तुम कितनी देर में जा रहे हो। जा रहे हो या लठियाई करूं तुम्हारी। ठीक है जा तो रहा हूं देख लो निकल यहां से। आया मुझे पता कोई है। है तो सही जी बताइए भाभी जी। मैं तो तुमने कहा कोई है। मैं डैडी को ढूंढने आया था। वैसे डैडी तो नहीं है यहाँ पे। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अच्छा पैसों की जरूरत थी जी। तुम भी अपने भैया और बाप की दौलत पे खामा खा ऐश करते हो। आपका कहने का क्या मतलब है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुफ्त की रोटियां तोड़ना। भाभी आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं और किससे कह रही हैं। मैं सब कुछ जानती हूँ कि मैं कह क्या रही हूँ और किससे कह रही हूँ। लेकिन देखो अर्जुन मैं जानती हूँ आजकल के बच्चों के ये शौक होते हैं और ये उम्र है तुम्हारी। अगर इस उम्र में शौक मौज नहीं करोगे तो क्या बुढ़ापे में करोगे। देखो मैं तुम्हारी इकलौती भाभी हूँ। भाभी माँ समान होती है। तुम्हारी माँ तो नहीं है। जब तुम्हारे भैया इस घर में मुझे शादी करके लाए थे तो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी जब तुम बहुत छोटे थे। देखिए भाभी आप फालतू की बातें तो कीजिए मत। मुझे डैडी की बात जाना है। आहा डैडी यहाँ है नहीं और अगर होंगे भी तो इस पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे हाथ में है। किसको क्या देना है किसको क्या लेना है वो सब इस घर की मालकिन मैं हूँ। अगर इस घर में कोई आएगा तो मेरी मर्जी से और जाएगा तो भी मेरी ही मर्जी से चाहे वो घर का हो चाहे वो बाहर का। भाभी आप हद से ज़्यादा बोल रही हैं। आप जानती भी हैं ये घर मेरे बाप का है मेरे पिताजी का है। ये सारी प्रॉपर्टी मेरे पिताजी की है सारा बिजनेस मेरे पिताजी का है और आप किसी और घर से आई हैं। अच्छा किसी और घर को छोड़ के ये घर मैंने अपना बनाया है। आप अपनी औकात बोल रही हो। जो भी तो आपका पति है ना वो मेरे बाप की वजह से है और आप यहाँ आई हो हम नहीं। तेरी इतनी हिम्मत
जो तुम मुझे और मेरे पति को कहे। भाभी, इन हाथों को अपने पास रखेंगी तो आपके लिए अच्छा है। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं जो आपकी मार खा लूंगा। और आगे से याद ध्यान रखिएगा कि आज तो हाथ उठाने की आपने गलती कर दी है, आज के बाद ये गलती कर मत दीजिएगा, नहीं तो इतना बुरा हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकती। बाय। इसकी इतनी हिम्मत जो मेरा हाथ पकड़ा इसने। पिताजी, पिताजी। हाँ बेटा, बता क्या हुआ। सब ये क्या तरीका है, क्या हो गया? वो औरत जो हमारी भाभी है, उसको बात करने की तमीज तक नहीं है। किस औरत से भैया ने शादी कर ली? वो मुझसे कहती है कि हमारी औकात क्या है। मुझसे कहती है कि जो भी मांगना है मुझसे पूछ के मांगोगी। मैं आपके पास पैसे मांगने आ रहा था, लेकिन उसने मुझे बीच रास्ते में रोक लिया। थोड़ा टाइम काट बेटा और अपने भाई को आने दे। डैड, मुझे इसका फैसला ही करना है। वो ठीक है डैड, लेकिन फिलहाल मुझे 20,000 रुपये की ज़रूरत है, प्लीज़। ठीक है बेटा, मैं अपनी चेकबुक लेकर आता हूँ और अभी तुम्हें देता हूँ। ओके, ठीक है। कौन सी चेकबुक की बात कर रहे हैं ससुर जी आप? कौन सी चेकबुक? जो मेरी चेकबुक है और कौन सी चेकबुक? अब वो चेकबुक तुम्हारी नहीं रही। फिर? अब वो मेरे रूम में है वो चेकबुक। तुम्हारे रूम में? क्योंकि जो तुम्हारे हाथों से नन्हे नन्हे साइन होते हैं ना, अब वो मेरे हिसाब से भरे जाएंगे जहाँ जरूरत पड़ेगी। फालतू की अय्याशियां उड़ाने के लिए नहीं। जिस चेकबुक की आप बात कर रहे हैं ना, वो चेकबुक भी मेरे पति के कमाई से भरी जाती है। बहू, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुझे, ये मत समझ मेरी खामोशी को तू मेरी कमजोरी समझती है। तुम तो एक खुद कमजोर हो, तुम दूसरों को क्या बोलोगे? शट अप भाभी, बहुत सुन लिया आपका और बहुत हो गया आपका, प्लीज। नहीं आप बेटा, यही संस्कार दिए तुमने तुम्हारे बच्चों को। और हाँ, अपना बोरिया और बिस्तरा बांधो और तफा हो जाओ अपनी शक्ल को लेके। ये मेरा घर है बहू। तुम्हारा घर था, है नहीं, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने अपने नाम करवा लिया ये घर। क्या? और जाहिर सी बात है, जिसमें मेरा पति का हक हो उसमें तो मेरा अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है पिताजी। धोखा? मैं नहीं मानता ये बात। तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है। बस पिताजी, अब इस नाकारा निकम्मी औरत से बात करने से कोई फायदा नहीं है। ये बदतमीज है और इसके घर से इसे यही संस्कार मिले हैं। बाकी बात रही भैया की, तो भैया ने हमारे साथ जो किया वो बहुत अच्छा किया। सच्चाई मुंह पे आ ही जाती है, नाकारा और निकम्मी किससे कहते हैं। खामोश हो जा। तुम खुद ही अपने आप से कह रहे हो, जलील इंसानों निकल जाओ मेरे घर से, वरना वॉचमैन को बुला के इतने धक्के लगवाऊंगी कि तुम्हारी शक्ल तक तुम्हारे घर वाले नहीं पहचान पाएंगे। हम कानून का सहारा लेंगे और जब देखेंगे कि यहाँ कौन रहता है। चलिए डैड। कौन है बेटी? चले क्यों गई मेरे आने से? चले नहीं गए पिताजी, निकाला गया है। क्योंकि जब घर में कचरा इकट्ठा हो जाए ना, तो उससे बदबू आने लगती है। अच्छा किया बेटी, इन दोनों गरीबों को यहाँ से बाहर निकाल दिया। इसीलिए इस कचड़े को मैंने बाहर फेंक दिया। इनको धक्का और मारो और इन्हें फेंको घर से बाहर। रहने दो पिताजी, धक्का मारने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद धक्का खा के निकले यहाँ से, है कि नहीं? शाबाश बेटी। क्योंकि खूबसूरत घर में गुलदस्ते दिखाई देते हैं। मुझे पता है। जैसी गंदगी नहीं। और पिताजी, आज से आपको गांव जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ रहोगे। मैं तो चाहता यही था कि मैं अपनी बेटी के पास रहूं। अच्छा, दामाद जी कब आ रहे हैं? वो आ जाएंगे, बस कुछ ही दिनों की बात है। आज उन्हें लगभग एक महीना हो गया। एक महीना हो गया? अब बस 4-5 दिनों में आने वाले। ठीक है बेटी। लेकिन पिताजी, बोलो एक बात और। बताओ। अगर सच्चाई अगर इन लोगों ने बता दी। लेकिन नहीं, एक आइडिया है ना मेरे पे। कहो बेटी। ऐसा नाटक करके दिखाऊंगी उनको कि वो तो वैसे भी मेरी बातों में पलट जाते हैं। वाह, शाबाश। आप हैं। बिल्कुल बेटी, मैं तेरे साथ खड़ा हुआ हूँ। अगर तू नाटक करेगी तो मैं उस नाटक में थोड़ा सा किरदार मैं भी निभा लूंगा। और वो तो अच्छी तरीके से जानते हैं अपने भाई को। कितना नाकारा निकम्मा शराबी एक नंबर का। सही बात है, है कि नहीं? क्योंकि वो तो खुद एक गोल मटोल लड्डू हैं। उनको तो जिधर फेंकोगे उधर लड़कते लड़कते लड़क जाएंगे।
नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा पिताजी चलो, अब बहुत जोरों की भूख लग रही है। मुझे तो घी के लड्डू खिला दे बेटी। पिताजी घी के नहीं, मैंने तुम्हारे लिए प्योर देसी घी के लड्डू बनाए। प्योर? दिखाओ प्योर कैसा देसी घी है। चलो आओ बेटी। ए टैक्सी। हाँ साहब, किधर को चलेंगे? तू तो अब तूने ये धंधा कर लिया ताकि घर की इज्जत को उछाल सके? मैं तेरे लिए क्या क्या प्लान करके आया हूं और तू यहां फुटपाथ पे गाड़ी चला रहा है? क्या बिगाड़ा है, क्या बिगाड़ा है मेरे बिजनेस में, समाज में, शहर में मेरी कितनी इज्जत है, पिताजी की कितनी इज्जत है, तुझे पता है? वाह वाह भैया वाह, क्या एक्टिंग करते हैं आप, क्या एक्टिंग करते हैं, कितना अच्छा नाटक कर लेते हैं ना। मैं नाटक कर रहा हूं? मैं नाटक कर रहा हूं? हाँ, आप नाटक कर रहे हैं। आपने सारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया है और यहाँ ये झूठा नाटक दिखाकर आप ये साबित करना चाहते हैं कि हम गलत हैं? क्या बकवास कर रहा है तू? आपकी उस पत्नी ने हमें आपके उस घर से बाहर निकाल दिया, धक्के मार। झूठ बोल रहा है तू? मेरी पत्नी पर इल्जाम लगाकर तू अपनी नाकामियों को छुपा रहा है। अरे तुझे सब, तुझे इसने शराब पीने के लिए पैसे नहीं दिए होंगे तो ये नाटक करना शुरू कर दिया तूने, बाहर फुटपाथ पर गाड़ी चला रहा है। तू देख तो लेता किसका भाई है, किशन राय का भाई है तू, इस शहर के सबसे बड़े अमीर ज्ञान चंद का बेटा है तू। झूठी शानो शौकत थी, झूठी शानो शौकत थी, थूकता हूं ऐसी शानो शौकत पर। आपकी पत्नी ने डैडी को धक्के मार के घर से बाहर निकाला, मुझे घर से बाहर निकाला, डैडी की चेक बुक छीन कर अपने पास रख ली। बोलती है आपकी पत्नी कि ये चेक बुक मेरे पति की कमाई से भरी जाती है और आज इसमें जो इस घर में जो भी खर्चे होंगे वो मेरी मर्जी से होंगे। पिछले एक महीने से मैंने कॉल किया, एक भी कॉल तुम लोगों की लग नहीं रही। पिताजी को कॉल कर रहा हूँ, उनकी कॉल नहीं लग रही। आज तू बोल रहा है कि मेरी बीवी ने पिताजी को तुझे बाहर कर दिया घर से? क्या बकवास कर रहा है तू? हमसे हमारे फोन छीन लिए गए, हमसे हमारी जेबों में जो पैसे थे वो भी छीन लिए गए, हमें दर दर भटकने के लिए मजबूर किया आपकी पत्नी ने। आज ये टैक्सी जो मैं चला रहा हूँ ना, आपकी बदौलत, आपकी पत्नी की बदौलत ये इसीलिए टैक्सी चला रहा हूँ। और पिताजी की बोलते हैं, पिताजी को देखना चाहते हैं, कहाँ है पिताजी, आइए मेरे साथ, बर्दाश्त कर पाएंगे? कहाँ लिया है इस गंदी बस्ती में मुझे? है गंदी बस्ती लग रही है ना आपको? ये हमारी रहने की जगह है, ये हमारी भूमि है, आपको पिताजी से मिलवाता हूँ। पिताजी पिताजी। हाँ बेटा। पिताजी तू? हाँ हाँ बेटा। हाँ पिया। हाँ बेटा। पिताजी पिताजी, जब मैंने आपको बोला कि आप उस घर के मालिक हैं, आप उस घर पे हक जमाते हैं और आप काहे के मालिक? नाटक हुआ, बहुत नाटक हुआ, अब बर्दाश्त बाहर हो रहा है, आप जानते भी हैं। पूछ काहे के मालिक बेटा, क्या किया है? तो सालों से तेरे गुलाम थे। पिताजी ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ बेटा। पिताजी मैं आपका किशन? हाँ। अरे आपने तो मुझे अच्छे संस्कार दिए पिताजी। बेटा सालों और आप पिताजी, ये सब क्या हो गया पिताजी? बेटा कोई बात नहीं पिताजी। पिताजी आप यहाँ? हाँ बेटा। ये सब दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? नहीं 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 बेटा कोई बात नहीं बेटा, हम यहाँ रह लेंगे। पिताजी यहाँ क्यों रहेंगे, हमारा घर है पिताजी। नहीं भैया। बेटा तुम लोग, ये हमारी औकात है जो आपकी पत्नी ने हमें दिखाई है, हम इसी गंदी नाली के लिए बने थे। अर्जुन ये सब क्या देख रहा हूँ मैं? तू जिसको नाकारा समझता था ना, आज उसी बेटे ने दिए तेरे बाप का खर्चा उठाया बुरे वक्त में साथ। अर्जुन अर्जुन मेरे भाई मुझे माफ कर दे। अरे मैं तो तुझे कोयला समझ रहा था मेरे भाई, तू तो हीरा निकला। पिताजी मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने अर्जुन के नाम से बहुत बड़ी फैक्ट्री कनाडा में बनाई है। मैंने बताया था इसको बेटा। हाँ मैं सारी चीज़ें समझ गया पिताजी, आओ मेरे साथ। नहीं बेटा हम यहाँ रह लेंगे, तू पिताजी तू अपना घर देख बेटा। पिताजी वो घर मेरा नहीं है, हम सबका है। अगर उस घर में एक ही शर्त पे जाऊँगा मैं। कौन सी शर्त पिताजी? बहू से कुछ नहीं कहे। पिताजी
आप ये कसम ना दो मुझे ना। अगर उसने गलती की है पिताजी तो उसको एहसास होना चाहिए इस चीज का। हो जाएगा। मेरे भाई को कहां पहुंचा दिया और आपको कहां पहुंचा दिया? आप उसकी हमदर्दी कर रहे हैं जिस औरत ने आपको उस घर से धक्के देके बाहर निकाल दिया। नहीं बेटा, वो भी तुम्हारी बहू है पिताजी, हमारे घर की। बस पिताजी, आपकी ये खामोशी है ना, हम दोनों भाइयों को इस जगह लेकर आ गई है। अगर आप शुरू से इतना का डंडा उठाते ना, हमें हमारी मजबूरियों पर, हमारी गलतियों पर हमें डांटते ना, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मुझे नंगे नाच पसंद नहीं, घर बिगड़ते हैं ऐसे। पिताजी, आपकी वही झूठी शान, वही पुरानी संस्कृति। झूठी शान नहीं है। बस पिताजी, यही सब कुछ है बेटा। बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तो कुछ नहीं कहेगा, चल मैं चलने को तैयार हूँ। चलो राधा, राधा। अरे किशन, तुम आ गए और तुमने तो मुझे बताया भी नहीं, एक फोन तो कर दिया होता मुझे। क्या बताता? अरे अपने आने की खबर। अपने आने की खबर? बहुत देर कर दी मैंने आते आते। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? और ये तुम्हें तो इतने समय के बाद घर आए हो। अरे अपनी बीवी को देख के तुम्हें खुश होना चाहिए और तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे ना जाने मैंने कितना बड़ा काम कर दिया। राधा, पिताजी कहाँ हैं? पिताजी वो, हाँ मुझे ध्यान नहीं रहा तुम्हें बताने का। अच्छा। हाँ वो पिताजी और अर्जुन है ना, बाहर घूमने गए हैं। अच्छा, बाहर घूमने गए। हाँ। कब से है? कब से? वो उन्हें बस हो गया, मतलब 15 दिन हो गए और मन बड़ा बेचैन हो रहा था उनका, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है कहीं घुमाओ, क्योंकि बुढ़ापे का शरीर है ना, इसलिए है। चलो अच्छा है, वो घूमने सैर सपाटा भी हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम तो मेरे लिए कुछ लेके आए नहीं इतने। लेके आया हूँ ना तुम्हारे लिए। सलील, कमजोर औरत, तू जानती है तूने क्या किया? अरे इस शहर में मेरे बाप का रुतबा था, अभी अभी अपने बाप से मिलकर आ रहा हूँ। मेरा कुसूर क्या? मेरा कुसूर तो बताइए। कुसूर? अरे कुसूर, तुम जैसी नागिन क्या के कुसूर शब्द बहुत छोटा हो जाता है। तुम जानते हो तुमने क्या किया है? मैंने? अरे तुमने वो कर दिया, अरे मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी कहने के लिए। जी तो चाहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। अगर काश मेरे बाप ने मुझे ये संस्कार दिए होते ना कि औरत की इज्जत मत करो, तो अभी तक मैं तुम्हें इतना जलील, इतना मार चुका होता कि तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़ी नहीं होती। अरे जानती हो तुमने क्या कर दिया? मेरे बाप को फुटपाथ पर लाकर रख दिया। जिस भाई के लिए करोड़ों की गाड़ी में मेरा भाई घूमता था, जिस भाई का इतना बड़ा प्लांट करोड़ों का लगाने गया, जानती हो कहाँ मिला मुझे? एयरपोर्ट पर गाड़ी चला रहा है टैक्सी दूसरों की। अरे हजारों टैक्सी खरीद लेगा वो, सिर्फ तुमने उसको इतना मजबूर कर दिया कि आज दूसरों का बोझ उठा रहा है। तुम्हें मेरी तो गलती दिख गई, लेकिन क्या तुम्हें अपने घर वालों की भी गलती दिखी? अरे तुम्हारे भाई ने मेरे साथ क्या सुलूक किया, मुझ पे हाथ उठाया, तुम्हारे बाप ने बेहाब बच्चा लड़ने जाने क्या क्या नाम दिया मुझे। तुमसे ज्यादा मैं अपने बाप अपने भाई को जानता हूँ। मेरा भाई मुझसे बदतमीजी कर सकता है लेकिन तुमसे कभी नहीं कर सकता। मेरा बाप मुझसे बदतमीजी कर सकता है। अरे मेरे बाप ने मेरी माँ से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करी और तुम कह रही हो कि मेरे बाप ने तुमने बदचलन जलील कहा। किशन मेरी बात का भरोसा करो, मैंने उन लोगों को घर से नहीं निकाला। अरे एक बात बताइए, कौन सी औरत चाहेगी जो अपने पति की कमाई को ऐसे अय्याशिया में उड़ा दे? अभी पता चलता था, अभी पता चलेगा तुम्हें। अर्जुन पिताजी। जी भैया। इन्होंने बदतमीजी करी तुमसे है? मेरे भाई ने तुमसे बदतमीजी करी? तुम तो बहुत शरीफ हो। अरे लानत है तुम पर, जिस ससुर की वजह से तुम इस घर में आई, तुम जानती हो ये कौन है? ये शख्स तुम्हारे पति का बाप है, वो जानती हो ये कौन है? वो तुम्हारे पति का छोटा भाई है। अरे बचपन से पाल पोस के इन्होंने बड़ा किया, इस काबिल बनाया इस बिजनेस में, और आज तुम कह रही हो कि इन लोगों ने तुम्हारी बेइज्जती करी? अरे थूकता हूं तुम्हारे मुंह पर, तुम्हारे पूरे खानदान पे। तुम जानती हो तुमने क्या किया है? एक शरीफ खानदान की इज्जत को अपने जूते तले रौंदा है। अरे जिस बाप ने कभी बाहर का रुतबा देखा है
50 करोड़ आदमी इस देश के मेरे बाप के नाम से जानते हैं। इस शहर का हर आदमी, हर बिजनेसमैन मेरे बाप को सलाम करता है, और तुमने मेरे बाप की इतनी बेइज्जती कर उसको बाहर निकाल दिया। पिताजी बस अब यही फैसला होगा, बुलाओ अपने बाप को। ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है कि तुम्हारे घरवाले घरवाले और तुम्हारी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं है, तो ठीक है, इन दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। या तो अपने बाप और भाई को चुन लो या अपनी बीवी को, बस। तुम जैसी औरत लानत है, इतनी देर तक अभी तुम्हें यह समझ में नहीं आया कि मैं किसको चुनने वाला हूं। आउट। क्या हो गया बेटी, कैसे शोर मच रहा है घर में? आओ बेटा, शर्म आती है तुम्हें अपना ससुर कहने लगे? अरे तुम तो औलाद को वो संस्कार दे रहे हो, जानते हो तुमने बेटी को क्या संस्कार दिए? क्या हो गया दामाद जी? दामाद जी कैसे गुस्सा हो? गुस्सा हूँ? अरे पिताजी, ऐसे लोगों के सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ। नहीं 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 नहीं, देखो बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं इसी शर्त पर चलूंगा कि बहू से कुछ नहीं कहोगे। पिताजी मेरी बात कुछ नहीं सुनूंगा। पिताजी पिताजी और सुनेगा भी नहीं। बहू, ज्यादा नाराज होने की जरूरत नहीं, तुम मेरी बेटी समानो, मैंने पहले भी कहा था, है ना? और अगर अर्जुन ने कुछ कहा है, अर्जुन अपना बेटा समझ के, अर्जुन माफी मांगो। नहीं, तुम क्यों माफी मांगोगे उस औरत के? नहीं, जिस औरत ने नहीं तुम लोगों की बेइज्जती करी। घर ऐसे नहीं चलते हैं। कोई बात नहीं भैया, अगर मैं छोटा हूँ, अगर भाभी ने मेरी बेइज्जती कर भी दी, ठीक है, मैंने तुम लोगों के साथ कोई बुरा नहीं किया, ठीक है, इतनी बेइज्जती करी, इतना सब कुछ किया और उल्टा तुम लोग ही मुझसे माफी मांग रहे हो। बेटी तू क्या माफी मांग रही है? बस पिताजी, आज तक तुम अपनी बेटी को ये शिक्षा नहीं दे पाए कि अपने घर में किस तरीके से रहना है। अरे बेटी, तू जानती है ये लोग कोई कैसे लोग हैं? पिताजी बस, और मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे घर से चले जाओ। शर्म आती है, और तुम जैसे बाप को डूब के मर जाना चाहिए। हटो, इस बुड्ढे को तो मैं देखूंगा। चल जा। चल चल यहां से। भैया छोड़िए। अर्जुन भैया छोड़िए, भैया वो आपकी जीवन साथी, देखा, आपके साथ साथ फेरे लिए हैं। ये मेरे घर के संस्कार हैं। मेरे बड़ों ने भी तुम्हारा सम्मान किया, और मेरे छोटे भी तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं, और तुम, तुमने क्या दिया इनको? अर्जुन मुझे माफ करना, मैंने पहचानने में बड़ी गलती करी। नहीं भाभी, आप भाई जैसा देवर, और मैंने इस तरीके से व्यवहार किया तुम्हारे साथ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर। भाभी ये आप क्या कर रही हैं? मुझे आपके पैर छूने चाहिए, मैं आपका बेटा बेटे जैसा हूँ, और आप मेरे पैर छूते हुए अच्छी नहीं लग रही। राधा, अर्जुन, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए ना, तो उसे भूला नहीं कहते। तुम भी मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया अर्जुन, और आज से हाँ, फैक्ट्री का इनॉग्रेशन तुम्हारे हाथों से होगा अर्जुन की। हम चाहते हैं कि इसके नाम से फैक्ट्री खुले। इसके नाम से ही डार्लिंग कनाडा में फैक्ट्री खुल रही है। चलो, अब खाना नहीं दोगी? भूख लग रही है। हाँ। मैंने तुम्हारा दिल भी बहुत दुखाया ना। हाँ। इसीलिए तो भूख ज्यादा लग रही है। मैंने तुम्हारे जोर से थप्पड़ मारा, बहुत तेज मारा था। चलो अंदर शिकायत करता हूँ।